तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि किसी का भी अगर कॉल आए तो उसका फोटो आपके कॉलिंग स्क्रीन पे शो हो कुछ इस टाइप का, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो। अर्थात किसी का कॉल आता है तो उसका नाम तो आपको शो होता ही है कॉलिंग स्क्रीन पे। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का फोटो भी शो हो तो वो कैसे आपको सेट करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इस छोटे वाले अपने दोस्त के फ़ोन से इस बड़े वाले फ़ोन में कॉल करने जा रहा, और जैसे ही मैं अपने दोस्त के फ़ोन से अपने इस बड़े वाले फ़ोन में कॉल कर रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलिंग स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाई दे रहा। तो इस तरह से आप भी अपने अलग अलग फ्रेंड्स के लिए फ़ोटो सेट कर सकते हो। जिस भी फ्रेंड का कॉल आएगा या फिर जिस भी रिलेटिव का कॉल आएगा, उसका फ़ोटो आपको कॉलिंग स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों, कॉलिंग स्क्रीन पे फ़ोटो सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए उस पर्सन का जिसके कॉलिंग स्क्रीन पे आप फ़ोटो लगाना चाहते हो। तो किसी का भी फ़ोटो आप उसके व्हाट्सएप DP से निकाल सकते हो, फेसबुक से निकाल सकते हो, या फिर आप उससे खुद भी मांग सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव हैं। तो यहाँ पे सेट करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल में ये जो कॉलिंग ऐप होता है, डायलर ऐप, इसे ओपन कर लोगे। इसे ओपन करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट में चले जाना है, जहाँ पे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स का कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है। अब आपको उस कॉन्टैक्ट को सर्च कर लेना है जिसके लिए आप इनकमिंग कॉलिंग स्क्रीन पे उसका फ़ोटो सेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने एक फ्रेंड को सर्च कर लिया है। उसके बाद कॉलिंग ऐप में ही यहाँ पे आपको फ्रेंड के नाम के ऊपर एक प्रोफाइल फ़ोटो सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप इस पर टैप करोगे, फ़ोटो आप डायरेक्टली सामने से क्लिक कर सकते हो। अगर वो फ्रेंड या फिर रिलेटिव सामने हैं आपके तो आप क्लिक करके सेट कर सकते हो, या फिर अगर आपने गैलरी में उसका फ़ोटो सेव कर रखा है तो यहाँ गैलरी से आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। आप इसको अपने हिसाब से सेट करके ओके कर लोगे और यहाँ पे आपको फ़ोटो अपडेटेड मिल जाता है अपने फ्रेंड या फिर रिलेटिव के कॉन्टैक्ट के लिए। अब अगर ये पर्सन कॉल करेगा तो आपको कॉलिंग स्क्रीन पे उसका फ़ोटो दिखाई देगा।